हे गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेमेस्टर फोर्थ के जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं बीए प्रोग्राम के, ठीक है। तो बीए प्रोग्राम के जो बच्चे सेमेस्टर फिफ्थ में अब आए हैं तो उनको ये नहीं समझ आ रहा उनको कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन कौन सी ईजी रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो सारे मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ बीए प्रोग्राम की। बीकॉम प्रोग्राम की एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख लेना है, बीए प्रोग्राम की ये वीडियो, ठीक है। तो हर एक कोर्स के रिलेटेड सबकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है, sol.du.ac.in। उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है जहाँ पे CBCS का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑप्शन पे आने के बाद थोड़ा सा फिर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे सिलेबस अंडर ग्रेजुएट आपको दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपको अपना सिलेबस जानना है सेमेस्टर फिफ्थ में कौन सा रहने वाला है। तो थोड़ा सा जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके कोर्सेज दिख जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सेमेस्टर फोर्थ है, सेमेस्टर फाइव है। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसी सेमेस्टर फाइव के सिलेबस की, ठीक है। तो आप हो सेमेस्टर फाइव में और आपने ले रखा है बीए प्रोग्राम, तो अभी आपके सिलेबस में बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं और ईजी कौन कौन से होंगे। ये रहा देखो बीए प्रोग्राम, ठीक है, सेमेस्टर फाइव। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करो, ये नीला हो गया। नीला होने के बाद यहाँ पे नीचे आओगे थोड़ा सा, इस पर ओपन के लिंक पे क्लिक करना है। ये डाउनलोड कर ली हमने सिलेबस की पीडीएफ और ये आ गई आपके सामने पीडीएफ, देख सकते हो आप, ये रही सेमेस्टर फाइव बीए प्रोग्राम कोर्सेज। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है, ये रही पूरे के पूरे कोर्सेज, ठीक है। अब इनमें से मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो कोर्सेज है इनमें से इतने सारे कोर्सेज आपको दे रखे हैं, मगर ये जो इतने सारे कोर्सेज दे रखे हैं इनमें से टोटल आपको फोर कोर्सेज कोई सिलेक्ट करने हैं, टोटल कोई फोर कोर्सेज उसके अलावा नहीं कर रहे, समझ आ गया। तो अब इन कोर्सेज में से टोटल फोर कोर्सेज कैसे चूज़ करोगे, देखो ये जो पार्ट है डीएससी का, डीएससी में से कोई दो कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कोई दो सब्जेक्ट, मतलब स्किल इन्हेंस में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, जनरिक इलेक्टिव में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, हो गए टोटल चार, इनको मिलाओ चार हो गए, दो एक एक चार हो गए। अब मैं यही सब्जेक्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से दो लेने हैं, किस में से एक कौन सा लेना है, कौन सा बढ़िया रहेगा, ठीक है, और जो जल्दी हो जाए, इजी भी हो, आसान भी हो, लैंग्वेज भी इजी हो और जिसकी बुक के पेज कम हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर फिर भी अगर किसी की चॉइस है तो मेरे अकॉर्डिंग मत चले, फिर अपनी चॉइस से वो कुछ भी ले सकता है जिसको जो पसंद हो, ठीक है, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले मोस्टली आ जाते हैं सब्जेक्ट की तरफ डीएससी में, जो आपको दो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। डीएससी में इतने सारे सब्जेक्ट हैं मगर सबसे ईजी सब्जेक्ट जो रहता है वो आता है पहला तो हिंदी, हिंदी भाषा ये दे रखी है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है, हिंदी भाषा आप ले सकते हो। सेकंड चीज़ आती है हिस्ट्री। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने डीएससी में मतलब कि इस वाले कोर्स में आपने हिंदी को चूज़ कर लिया है, ठीक है, इसमें अगर आपने हिंदी या हिस्ट्री ली है तो नीचे जनरिक इलेक्टिव में नीचे की साइड यहाँ पर आप हिंदी या हिस्ट्री नहीं चूज़ कर सकते। अगर आपने नीचे चूज़ करी है तो आप ऊपर नहीं चूज़ कर सकते, ये चीज़ ज़रा ध्यान से देख लेना। तो अगर आपने, मैं इसमें बताऊंगा, पहला सब्जेक्ट तो होता है हिंदी, मतलब कि ये वाला जो इजी है, सेकंड आता है हिस्ट्री जो मोस्टली बच्चे ज़्यादातर चूज़ करते हैं ये वाला, ठीक है। और बात करें अगर आपको और कौन से अगर ले सकते हो तो लेने चाहिए, अगर आपको चाहिए तो, देखो वैसे तो यहाँ पे तीन चार सब्जेक्ट है जिसमें चॉइस होती है, जैसे हो गया एक तो एजुकेशन, एक हो गया पॉलिटिकल साइंस, एक हो गया हिस्ट्री, एक हो गया हिंदी, ये चार सब्जेक्ट हैं, इन चारों में से कोई से भी लो ये चारों ही ईजी रहते हैं। मगर अगर आपको कोई दो चूज़ करने हैं तो मैं जो दो बताऊंगा भाई उनमें से तो एक पहला तो हिंदी तो कंपलसरी है, सेकंड आपका हिस्ट्री आ जाएगा क्योंकि हिस्ट्री नीचे आपको नहीं लेना पड़ेगा बाद में, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, हिस्ट्री और हिंदी, इसमें हो गए डीएससी में दो सब्जेक्ट चूज़। बाकी आपको लेना है एजुकेशन वगैरह तो इनको मैं नहीं बोलूँगा, आप ले सकते हो मैथमेटिक्स वगैरह, अगर आपका पसंद है, आपको मैथ वगैरह आती है तो आप बाकी ये सारे सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं स्किल इनहेंस पे, तो देखो स्किल इनहेंस में इतने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनमें से आपको कौन सा चूज़ करना है, आपको इसमें से लेना है, अभी मैंने ऊपर हिंदी बताया था और हिस्ट्री बताया था, अब इसमें से आप लो पॉलिटिकल साइंस या फिर आप ले सकते हो एजुकेशन, मैं ऊपर वाली ये नहीं बोलूँगा, रिसर्च मैथोलॉजी और या फिर संस्कृत वगैरह ना, फिर ये हिस्ट्री तो आपको मिलेगी नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको पॉलिटिकल साइंस या एजुकेशन में से एक चूज़ करना चाहिए, तो इनमें से बढ़िया रहेगा आपका पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पर आ जाती है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट फालतू हैं, उनको मत चूज़ करना, अगर आप फिर भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। नीचे आ जाते हैं जनरिक इलेक्टिव पे, तो जनरिक इलेक्टिव में ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें से अब आप कौन सा नहीं ले सकते, आप हिस्ट्री चूज़ नहीं कर सकते,
आप हिंदी चूज़ नहीं कर सकते और आप पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी चूज़ नहीं करोगे। तो उसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए, मतलब कि ये आपका कट चुका है, ठीक है। और इसी तरह से आपको हिंदी नहीं लेनी है, आपको हिस्ट्री नहीं लेनी है, अब जो बाकी सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हो। अब जो बच्चे हैं उनमें बचा है एक इकोनॉमिक्स, एक इंग्लिश और एक संस्कृत, एक कॉमर्स का मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इनमें से ये दोनों नीचे के वर्स्ट सब्जेक्ट हैं, इनको मैं सब्जेक्ट नहीं करूँगा। आप या तो इंग्लिश लो, बेस्ट सेलर ऑफ जनरल इलेक्टिव, या फिर इकोनॉमिक्स लो। इकोनॉमिक्स में बच्चों का ज़्यादा फेथ होता है तो आप इकोनॉमिक्स चूज़ कर लो, इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी है। इंग्लिश आपको अच्छी है तो भाई इंग्लिश ले लो आप, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई लोगे और मेरे सजेशन रहेगा इकोनॉमिक्स पे, तो एक सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स का, समझ आ गया। तो मैंने जो टोटल सब्जेक्ट बताए एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले मैंने बताया था आपको हिंदी और एक हिस्ट्री, दो सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिए ये दो। नीचे अगर आते हैं तो नीचे मैंने आपको बताया था इसमें से आपको लेना है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा सब्जेक्ट। और चौथा सब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बताया और ये इकोनॉमिक्स हमारा चौथा सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी कोर्सेज की वीडियो भी जल्दी डालूंगा ऐसे सिलेबस बता के। और यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप बाकी और कोई सा भी ले सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, अगर नहीं चलना चाहते आप कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, मिलेंगे जल्दी, अभी के लिए इतना ही, सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू, वीडियो को शेयर जरूर करना।